चलिए पंडित जी, अब बताइए कि कैसे पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्याम् विष्णोरराटमसि विष्णो शानप्त्रेस्थो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन करने के बाद गणेश स्मरण करना चाहिए, गणेश आवाहन करना चाहिए और भगवान गणेश जी का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। ये आप गणेश जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को देवराज इंद्र ने जिन मंत्रों से देवी लक्ष्मी का स्तवन किया और देवी लक्ष्मी का स्तवन करके स्वर्ग का पूरा सुख राज्य प्राप्त किया वह मंत्र सुनाता हूँ। इसको लक्ष्मी अष्टकम कहते हैं। ओम नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। देवी लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण कर दिया जाए। ऋग्वेद में श्री सूक्तम नाम का स्तोत्र भी आता है और श्री सूक्तम का स्तोत्र का पाठ करने से साधक धन धान्य से संपन्न हो जाता है। इसके बाद हम कलश का पूजन करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाशितः मूले अस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुछौ तु सागरः सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाशिता। कलश में छोड़िए ऊपर। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुरितक्षय कारकम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अश्विन सन्निधिं कुरो। इसके उपरांत हम यक्षराज कुबेर जो धन के अध्यक्ष हैं भगवान शिव के कृपा से यक्षराज कुबेर का पूजन करेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे ओम ओम यक्षाय यक्षाय कुबेराय कुबेराय वैश्रवणाय वैश्रवाय धन धान्य समृद्धिम देहि दापय स्वाहा। यक्षाय कुबेराय धनाध्यक्षाय नमः। नमः। आप ये ज्योति के पास अर्पण कर दीजिए। यह भगवान सभी सबसे पहले आपने भगवान गणपति का आवाहन किया, फिर देवी लक्ष्मी का आवाहन किया और फिर कलश में समस्त तीर्थों का आवाहन किया।
इसके बाद आपने कुबेर का आवाहन किया, अब हम पंचोपचार पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप इस जल के द्वारा और जल का छिड़काव करेंगे, पहले गणेश जी को, ओम पाद्योर्वाद्यम देवी को, हस्तयोरार्घ्यम, मुखे आचमनीयम, कलश में सर्वांगे स्नानीयम, जलम समर्पयामि। इसके उपरांत लक्ष्मी गणेश जी दोनों के गले में ये रक्त सूत्र डाल दें, मिला के। ओम युवा सुवासा परिवीत आगासौ श्रेयान भवतु जायमानः तन्धीरासा कवयः उन्यन्त स्वाधयो मनसः देवयन्तः। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रान्ते दुराचमनीयम, जल, एक बार जल फिर से, दुराचमनीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गंध द्वाराम तिलक कर दीजिए, गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्ट अनामिका से, गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणी ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामेहोपहवे श्रिया। गंधम समर्पयामि अक्षतान, अक्षतान चासुरश्रेष्ठः कुंकुमोक्तया सुशोभितया मया निवेदतया भक्त्या गृहाणश्री परमेश्वरः। अक्षतान समर्पयामि धूपम दीपम। अब आपने सात बार ये ज्योति सभी देवताओं को घुमाना है। ओम इर्गम हविः प्रजननम मे अस्तो दशवीरगम सर्वगणगम स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन भयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करो तन्नम पयोरेतो अस्मासुधत्त। तो ये आखिरी इस तरह पूजा वो करना, बाद में पंडित जी विसर्जन कैसे करेंगे हम? सबसे अंत में आरती की जाती है और आरती के अंत में जिन देवताओं का आपने आवाहन किया है उनका विसर्जन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता मेरे घर में निरंतर निवास करें, आवाहित तामसिक देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। आरती की क्या विधि है पंडित जी? अब आप आरती इसको घुमा जी। देखिए आरती सर्वप्रथम चार बार चरणों की, तीन बार नाभि की, दो बार हृदय की और एक बार मुखमंडल की करने के बाद सात बार सारे शरीर की आरती सर्वांगों की उतारी जाती है। ओम चंद्रमा मनस जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदितं आरोग्यार्थे वारार्तिक्यं प्रतिग्रहणं मंत्रपुष्पांजलिः। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए और इतने आसान तरीके से कैसे आज के दिन पूजा अर्चना करना है वो हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सादर प्रणाम।